नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। कुरैश मक्का ने हुदैबिया के मौके पर उरवा बिन मसूद सकफी रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनको अपना नुमाइंदा बनाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत और कुव्वत के बलबूते पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोक दे। चुनाचे वो मक्का से निकलकर हुदैबिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपके सामने बैठ गए। फिर कहने लगे, ए मोहम्मद, आप मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके अपने खानदान वालों को तहस नहस करने आए हैं। ये कुरैशी हैं जो अपनी दूध देने वाली ऊँटनियों, बच्चों और औरतों के साथ निकले हैं। इन्होंने चीतों के चमड़े पहन रखे हैं और अल्लाह ताला से अहदो पैमा कर रखा है कि आप ताकत और कुव्वत के बलबूते पर जबरदस्ती हरगिज मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। फिर उरवा बिन मसूद ने सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की तरफ इशारा करके कहा, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि ये सब लोग कल के दिन आपके पास से हट जाएंगे। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही थे, बोल पड़े, चल हट, जाकर अपनी लात के आजा चाट। क्या हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द से आपको अकेला छोड़कर हट जाएंगे? उरवा बिन मसूद कहने लगे, ए मोहम्मद, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू कुहाफा के बेटे हैं। उरवा बिन मसूद कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर मेरे ऊपर आपका एहसान ना होता तो जरूर तुम्हारे इस जुमले का बदला अभी दे देता, मगर ये गुस्ताख आमेज जुमला उस एहसान का बदला ही समझो। ये वाज़े रहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उरवा बिन मसूद सकफी के कर्ज की अदायगी के लिए उनका तआवुन किया था। उसके बाद उरवा बिन मसूद बात बात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को छूने लगे। हजरत मुगीरा बिन शौबा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास ही खड़े थे और जंगी पोशाक पहने हुए थे। उन्होंने ये हरकत देखी कि उरवा बिन मसूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को बार बार अपने हाथ से छू रहे हैं, तो वो उरवा बिन मसूद के हाथ पर मारने लगे और कहने लगे, अपना हाथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से दूर ही रख, वरना तेरा हाथ काट कर रख दूंगा और वो फिर दोबारा तेरी तरफ वापस नहीं होगा। उरवा बिन मसूद ये देख कर कहने लगे, तेरा नास हो, तू कितना सख्त मिजाज है। इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। उरवा बिन मसूद ने पूछा, ए मोहम्मद, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे भाई का बेटा मुगीरा बिन शौबा है। ये सुनकर उरवा बिन मसूद कहने लगे, ए बेवफा आदमी, मैंने कल ही तो तेरा मचाया हुआ गंद साफ किया है। ये बात उरवा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इसलिए कही क्योंकि मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम कबूल करने से पहले सकीफ की तरफ से कबीला बनी मालिक के 13 आदमियों को कत्ल किया था। चुनाचे मक्तूलीन और मुगीरा के खानदान के लोगों के दरमियान कशमकश हो गई और दोनों तरफ के लोग भड़क उठे थे। इस मामले को रफा दफा करने के लिए उरवा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्तूलीन के वुरसा को 13 दियतें दी थीं। तब कहीं जाकर ये कशमकश और लड़ाई खत्म हुई थी। सीरत इब्न हिशाम, रवाहु अहमद। अल्लाह।